गलेबिला टू अपस्थियन नाप के दिखा तो ये हो गया गलेबिला इधर अपस्थियन 16.7 ठीक है अभी बता नेशन टू प्रोस्थियन नेशियन टू प्रोस्थियन नेशियन टू प्रोस्थियन ये हो गया नेशियन टू प्रोस्थियन ठीक है नेशियन टू बेसियन नेशियन टू बेसियन नेशियन टू बेसियन ये नेशियन ये बेस ओके नेशियन टू ब्रेगमा नेशियन टू ब्रेगमा ठीक है इसको दिखा कपाल को कपाल को दिखा मैं कप एस्ट्रेयन टू एस्ट्रेयन एस्ट्रेयन टू एस्ट्रेयन एस्ट्रेयन टू कपाल को किसी ना किसी ये हो गया एस्ट्रेयन तीन हाथ सूचक का समूह ओके इसको दिखा इसको दिखा इसमें लगा And लेने लेने बोलो ना यार लेने लेने बोलो नहीं बीच बीच का कौन नेशियन बेसियन ये मस्टोलॉइड दिखा मस्टोलॉइड ये मस्टोलॉइड मस्टोलॉइड ठीक है 9.6 नेशियन टू ऑनियन ऑनियन ये सामने रखो तो चलो ये हो गया बेसियन ये हो गया अपस्थियन इसका मोटाई 3.6 आ रहा है और ये बेसियन का लेंथ चौड़ाई आता है 2.7 इसको प्रोस्थियन कहा जाता है प्रोस्थियन ये प्रोस्थियन और ये हो गया नेपोस्पिनल इसको नेपोस्पिनल कहते हैं इसको नेशियन कहते हैं यहाँ से यहाँ ऐसे नापा जाता है नेशियन टू नेपोस्पिनल और नेशियन का चौड़ाई यहाँ और ये हो गया लेमडा पिछला भाग और एनियन एनियन यहाँ अंदर छू के देखना है यहाँ जिस अंदर में जितना ऊंचा लगेगा मतलब ऊंचाई डीपर टाइप से लगेगा यहाँ पे उसी को नापते हैं यहाँ और यहाँ 1 सेंटीमीटर जिसको कहते हैं प्रेप का है पार्टिनल का बोलते हैं इसको प्रीटल बोन पार्टीबल बोन यहाँ से 1 सेंटीमीटर अंदर से पार्टिनल बोन एक सेंटीमीटर बचना चाहिए यहाँ ठीक है 1 सेंटीमीटर है ये कौन जगह नापता है जगह ना इसी जगह ठीक है ये मस्टोलॉइड पूरा अरे इधर ओपोस्टर एक घूमर भी नापा जाते हैं यहाँ से यहाँ लेमडा ओपोस्थियन और यहाँ से गलेबिला